हमारे घर से यही दिखते हैं खेत ऐसे गाइस, हम मेला देख के आ गए हैं सवार का गांव घूमने। गांव घूमने और सबसे पहले हमें ये घर मेला देखिए कितना खूबसूरत है। पूरी उत्तराखंडी संस्कृति झलक रही है इसको देख के। सुंदर सा दरवाजों को सजाया गया है, बहुत 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 ही सुंदर लग रहा है। येलो और ग्रीन कलर और रेड भी किया गया है। इस टाइप के मकान ना पहाड़ों में देखने के लिए बहुत कम मिलते, पर सवार में अच्छा लगा हमें यहाँ के कि हमें इस टाइप के मकान जो पहले हुआ करते थे अभी भी देखने को मिले। और ये तो मतलब इतना खूबसूरत, इतना ज़्यादा मनमोहक लग रहा है ना देख के कि बस मन किया इसकी वीडियो बना ली जाए। ये देखिए ये दरवाजा है, लॉक है शायद, कोई है नहीं है ना। हाँ तो कुछ ऐसे होते थे पहले पुराने जमाने में मकान, तो इनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। तो चलिए गाइस, चल रहे हैं हम मंदिर। मंदिर पिकनिक पे आए हैं। यार अच्छा लग रहा ना, कहाँ गए वो? माँ भी पीछे छूट गई है क्या? उड़ाने वाला कहाँ है? बबल है? बबल कहाँ है? तो वही रखे, वो हमारा घर थोड़ी है। मामी को बोलो। जरा माथू माथू क्या है वो? माथू माथू ये झबर बजाली छम। सो गाइज, ये वीडियो आप देखेंगे पार्ट टू में। पार्ट वन में मैं आपको सिर्फ सवाड़ का मेला और वो सारा दिखाऊंगी, पार्ट टू में मैं दिखाऊंगी आपको सवाड़ गांव का मंदिर और जो हम गांव घूमेंगे हल्का फुल्का। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और कीजिएगा एक प्यारा सा कमेंट। चलिए तो ये है मंदिर गाँव का, यहाँ सवाड़ गाँव का मंदिर है ये, और शायद यहाँ पे सारे भगवान जी की वो है। तो ये मंदिर की खूबसूरत सी सीढ़िया और ये खूबसूरत सा घंटा। दो रास्ते है ना यहाँ से, एक उधर आने वाला होगा ना। यार ये कितने बजाओ बजाओ तुम बजाते हो? ये ऐसे बजाऊंगा। अरे यार, अरे हाथ तो आज आई थी, नहीं आ रही है। पहले उसे रखो।
ठंडी ठंडी हवा चली मंदिर है, अंदर है यहाँ पे बच्चों से बनेंगे। सिंगल बने होंगे क्या ये बनाए होंगे पहले से है ना, देखो ऐसे पत्थर वहाँ होते हैं ऑटोमेटिक। छोटे छोटे मंदिर है यहाँ पे, मंदिर मंदिर बंद है कोई नहीं है यहाँ पे, और धर्मशाला भी बने हुए हैं पीछे यहाँ पे, जैसे कुछ भी कीर्तन भजन जो भी मंदिर में होते हैं उत्तराखंड के अंदर जो भी होते हैं पहाड़ों में उसके लिए यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है। रुको और लूटे लगा रखे हैं, ये आगे नहीं नहीं करना, जूते पहन के नहीं आते सारे लोग आ गए, सारे लोग आ गए भाई। यहां तो गांव है यार, एक घंटा लगा के क्या करेंगे गांव में जाके, हम ना किसी को जानते भी नहीं है, रास्ते रास्ते देख के आते हैं गांव। रुको तो पकड़ो फोन, तो गाइस हमें यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिली, वो हम आपको बताएंगे नहीं क्योंकि वो हम वीडियो में शेयर नहीं कर सकते हैं। वैसे हम लाफ्टर ले रहे हैं तो आप हमारे लाफ्टर से लाफ्टर ले लो, तब चलते हैं आप जा रहे हैं हम गांव की तरफ, हम किसी को नहीं जानते गांव में, तो हम जा रहे हैं। तो हेलो, ये लता है, ये हमारे गाँव की एक औरत है, एक औरत है, ये हमारे गाँव की जा रहे हैं, हमें हंसी आ रही है बिकॉज सम पर्सनल रीजन समझ के बता नहीं सकते हैं, इससे लास्टर निकलना मेरा तो निकल ही जाता है, तो इनका चल रहा है फोटो, मैंने भी ऐसे हाय सवाल आए, आज सवाल आए बोले 11 साल के बाद इनके साथ आते हैं घूमने। मामी को देखो, मामी साथ हमारे आए थे, वहां माल्टा माल्टा करके चली गई है बैल। यहाँ सबकी गाय बच्चियां हैं यार, देखो ना हमारे गांव में नहीं है किसी के, बहुत अच्छा लग रहा है सर।
अच्छा यार सवाल चलो ऊपर को चलते हैं। हाँ चलो चलने में क्या लग रहा है। आ जाओ देखो गाइस आधे गांव में आ गए हम लोग चलते चलते और बहुत अच्छा भी लग रहा है इधर क्योंकि हमारा जो गांव है ना बिल्कुल वहाँ मकान ना अलग अलग हैं सबके और यहाँ पे ना सारे पास पास मतलब एक क्या होता है सुरक्षा जैसी महसूस होती है तो मुझे तो ऐसे ही लगता है पास पास में सबके घर होते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है इधर और खूब सारे हाँ और यहाँ खूब सारे नींबू लगे हुए हैं देखो पेड़ों पे और वो देखो मामी थैला भर के लेके आ गए हो गया। वो देखो उनको वो हमारे साथ आई है वहां से नींबू मांग मांग के लेके जा रही गांव से। धन्य हो तुम यार। गन्ना देखो मैं कोई बेचता तो मैं खरीद के ले जाती यहाँ से माल्टा मुल्टा गन्ना भी डालते हैं। हाँ ना गन्ना खाने वाला नहीं पर उसका एक ही है एक ही पे हाँ वो अकेला पड़ गया नहीं खा कोई देगा यार। खूबसूरत लग रहा है आगे वाकई में यार सवाल बहुत ज्यादा खूबसूरत है दोस्तों। मेरी शादी को 11 साल हो गए। हाँ जंगल है ना फिर दूर है ना गांव से तो दूरी है तो यहाँ पे लगे हैं माल्टा ये देखिए हम गांव देख रहे हैं गाय भैंस देख रहे हैं हम। आपके यहाँ भैंस दिखती है क्या? यहाँ भैंस दिख रही है देखो बैल भी है यहाँ डॉगी पूछू अमा आपके हैं ये सवार का गांव अच्छा है अमा हम ऐसे घूम रहे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो यहीं के हैं देवाल के पर वहाँ ऐसा घर नहीं है वहाँ ऐसा नहीं है। अमा बेच रहे हो माल्टा नींबू बेच रहे हो नहीं बेच रहे हो मामी के मजे हो रहे हैं मुझे भी देना एक हाँ कितना प्यारा है ना। तो गाइस देखिए कितना सुंदर सुंदर कितने और बहुत हो रहे हैं क्या मार्केट तो हो रहे हैं बेच नहीं रहे हैं ना लोग मकानों की वीडियो बनाने हैं। यहाँ इतने सुंदर मकान देवाल के सैलखोला में नहीं है हमारे मकान है। हाँ चलो चाय पिलाई तुम्हें हो हम के लिए आए बोलते वहाँ जाके मामी 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 भैंसी हाँ हम तो वीडियो बना रहे हैं जा है? यहाँ पे भी तो है एक गोट कौली 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 हाँ पच्चीस दाना कितने का 25 दाने 50 रुपए सही तो है फिर सही तो है। माल्टे के नींबू ये तो बहुत छोटे भी परसों में इतने बड़े बड़े लाई हूँ बाजार से यार ले लो फिर ले लेते हैं माल्टे चलो। कहाँ है कुत्ता काटने वाला है कौली कुत्ता है हाँ, मैं परसों मैं भी लाई हूँ परसों बाजार में 5 रुपए दाना मिल रहा है। हाँ कैरी बैग है तो गाइस हम खरीद रहे हैं माल्टा यहाँ से दादा के पास से माल्टा खरीदेंगे
माल्टा दिख गया हमें। मेरे पास तो है नहीं। मैं दादा मैं तो कैरी बैग लाई थी घर से माल्टा खरीद, हमको पता था हम कुछ लेंगे। ताऊ जी अच्छे अच्छे देना हाँ, पके पके से। तो अलग अलग तो दयाल पे बोला काला, काली काली दिख रही है मेरी जैसी काली काली दिख रही ना मैं तेरी जैसी, काला काला पहना ना मैंने, देख कैसे घूर घूर के मेरे को देख रहा था। ले लिया हमने माल्टा, हम तो झोला उठा के चले, यहाँ सारी हाथ रहेंगे यहाँ से। अगले साल भी आएंगे यहीं से ले जाएंगे, अगले साल सोल्टा लेके आएंगे हम। हाँ हाँ ले लेना, मिल जाती है नीचे। घर से लाई नहीं यार, मैं तो कैरी बैग रख के लाई थी क्योंकि मैं हमेशा रखती हूँ ना, ये मेरा सब्जी वाला कैरी बैग है, मैं रखती रहती हूँ क्योंकि होता है कभी सब्जी ले ली कहीं से कुछ ले लिया। चल हाँ मिलेगा, चलो दुकानों में अब मैं कुछ लेंगे, 10 रुपए का 20 रुपए का पता सब मिलता है यहाँ पे, दवाइयाँ मिल रही हैं मुफ्त मुफ्त की, फ्री फ्री की यार, दवाइयाँ लो दवाइयाँ लो दवाइयाँ लो। जरूर है